आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और आज हम लोग जो है आपकी BPSC के ऊपर जो है सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं क्लास 1 to 5 के, कि BPSC का जो आपका टीचर का वैकेंसी जो आपका 7th फेज नियमावली के ऊपर जो आपकी आई है उसके हम वैकेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, वह सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे एक एक करके। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आपके कि बिहार आपका जो BPSC का सिलेबस जो है कल रात में रिलीज हुआ है उसके हम लोग जो है टीचर सिलेबस के ऊपर जो है क्लास 1 से 5 तक के जो है सब्जेक्ट को सिलेबस को समझने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपका जो सिलेबस है वह क्या रहने वाला है प्राइमरी लेवल का, क्योंकि काफ़ी बच्चों को जो है समझ में नहीं आ रहा है कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग जो है हम बात करने वाले हैं और सभी चीज़ों को, सभी टर्म को हम बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका सवाल रहेगा, यहाँ पर एक एक करके जो है हमने टर्म लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये क्लास जो है 1 से 5 देख सकते हैं, यहाँ पर 1 से 5, और इसमें आपका 2 पेपर होगा, समझ गए ना। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि आपका एग्जाम में कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे आपके जो है, 2 पेपर का एग्जाम होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, समझ गए, ये जो है आपका पेपर 1 है, ये जो आपका क्या है पेपर 1 है, ये आप जो भाषा देख रहे हैं ना ये आपका पेपर 1 है, और ये जो आपका है पेपर 2 है, ये क्या है आपका, ये आपका पेपर 2 है। तो देखिए समझिएगा, पेपर 1 जो है आपका इसमें भाषा से प्रश्न रहेंगे और इसमें जो है टोटल आपके 100 प्रश्न रहेंगे और इसमें आपके कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के आपके ये होंगे, समझ गए। ये आपका क्या है भाषा पेपर है। दूसरा आपका जो है सामान्य अध्ययन पेपर जो पेपर 2 है, इसमें आपके 150 प्रश्न रहेंगे और 150 आपके मार्क्स के एग्जाम होंगे। अगर आप पूछिएगा कि इस भाषा में जो है आपका क्या रहने वाला है, तो इंग्लिश जो ये आपका इंग्लिश है ना ये सभी लोगों के लिए कंपलसरी है, यानी 25 प्रश्न आपके जो है इंग्लिश से रहने वाले हैं। कितने प्रश्न, 25 प्रश्न आपके इंग्लिश से रहने वाले हैं। और आपका हिंदी हो गया आपका, या आपका उर्दू हो गया, या आपका जो है बांग्ला हो गया, ये 3 जो आपका पेपर 2 होगा भाषा में जो है पेपर 2 होगा उसमें आपका, मतलब भाग 1 में इंग्लिश 25 प्रश्न होंगे और ये हिंदी उर्दू और बांग्ला ये 3 में से आप अपने अनुसार से एक कोई पेपर सेलेक्ट कीजिएगा जिससे आपका 75 नंबर का प्रश्न होगा, यानी 75 नंबर से आपका जो है हिंदी हो सकता है, नहीं तो उर्दू हो सकता है, नहीं तो बांग्ला हो सकता है। जैसे कि आप सभी लोग एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस देते हैं, तो अपने अनुसार से जो है चुनते हैं ना कि हिंदी उर्दू बांग्ला ये 3 में से आपको क्या चाहिए, तो इसी के रिगार्डिंग आपको जो ये चुनना है। तो ये आपका पहला पेपर है भाषा, जिसमें आपका 100 प्रश्न रहेंगे, 100 मार्क्स के होंगे और यह एग्जाम जो होगा आपका 2 घंटे का होगा। और इसमें आपका जो है क्या रहेगा, इसमें आपका निगेटिव भी रहने वाला है, इसमें आपका निगेटिव भी रहने वाला है। 2 घंटे का एग्जाम, 100 प्रश्न, 100 मार्क्स, पहला आपका 25 नंबर का इंग्लिश होगा, ये सभी लोगों के लिए कंपलसरी है। दूसरा आपका हिंदी उर्दू और बांग्ला, ये 3 में से जो है आपको कोई एक सेलेक्ट करना है जिससे आपका 75 नंबर का एग्जाम होगा, 75-25 मिलाकर आपका 100 नंबर हो गया। ये आपका जो है पेपर है और इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है 30 नंबर लाकर, यानी कि ये 70 और 75 और 25 मिलाकर 100 नंबर हुए, ये 100 नंबर में आपको कम से कम 30 नंबर आना चाहिए, 30% आपको मार्क्स लाने हैं लैंग्वेज पेपर में। दूसरा हम बात कर ले पेपर का, तो इसमें आपका सामान्य अध्ययन पेपर है जिसमें आपका 150 प्रश्न रहेंगे, 150 मार्क्स करेंगे और इसका एग्जाम जो होगा आपका 2 घंटे 30 मिनट का होगा, समझ गए, 30 मिनट का होगा। और इसमें भी जो है आपका निगेटिव रहने वाला है, इसमें भी आपका जो है निगेटिव रहने वाला है। अब हम जो है चलेंगे कि जो आपका सामान्य अध्ययन है उसमें कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से पोर्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे या क्या पूछे जा सकते हैं, उस सिलेबस के ऊपर चलते हैं। मैं आपको बता दूँ कि बिहार बोर्ड ने जो है पूरी तरह से जो BPSC को सौंपा है एग्जाम लेने के लिए ना, ये एक तरह का भद्दा मजाक है बच्चों के साथ, क्योंकि जो बच्चे DLED और BED कर चुके हैं ना उनके लेवल से कोई प्रश्न नहीं है, या आपका कंपटीशन लेवल का हो गया। अगर यही करना था तो फिर 2 साल DLED और BED करने का क्या फायदा, जब आपने वहां का ट्रेनिंग जो बच्चा किया वहां से आप प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं,
तो ये बिहार बोर्ड को ना मतलब नाकामी दिखाता है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। आइए यहाँ पर देखिए, जो ये आपका भाषा लैंग्वेज है पेपर वन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका जो है टोटल आपके इंग्लिश रहेंगे, सबके लिए इंग्लिश रहेगा, 25 प्रश्न रहेंगे, और आपका हिंदी उर्दू और बांग्ला, इसमें से कोई एक आपको लेना है जो कि आपका 75 नंबर का होगा। ये दोनों मिलाइएगा तो ये आपका 100 नंबर हो जाएगा। टोटल हम बात कर ले तो आपका 100 मार्क्स का होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। पास करने के लिए कम से कम आपको जो है 30% यानी कि 30 नंबर लाने ही लाने होंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें आपका जो है निगेटिव भी है, इसमें क्या है आपका निगेटिव भी है। यहाँ तक क्लियर है ना? ये आपका क्या है, पेपर वन है, पेपर वन है। जैसे कि कोई बच्चा को उर्दू आता है तो उर्दू ले लेंगे, कोई बच्चा का हिंदी आता है तो हिंदी ले लेंगे, कोई बच्चा बांग्ला आता है तो बांग्ला ले लेंगे। समझ गए? आगे हम बात कर ले सामान्य अध्ययन का, जो कि आपका पेपर टू है, तो इसमें आपका 150 प्रश्न रहेंगे, 150 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, 150 प्रश्न 150 मार्क्स के होंगे। गणित की बात कर ले सामान्य अध्ययन, देखिए गणित से प्रश्न रहेंगे, आपके गणित के पेपर से प्रश्न रहेंगे, फिर आपका जो है सामान्य अध्ययन पेपर से प्रश्न रहेंगे, और फिर आपका जो है सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, करंट अफेयर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से आपके जो है प्रश्न रहने वाले हैं। और अगर आप पूछेगा कि किस लेवल के प्रश्न पूछ सकता है, तो साफ तौर पर उस पर लिखा गया है कि बच्चों के जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन के ऊपर तक जो है प्रश्न जा सकता है। यानी कि आपको मैं बता दूं कि 12 लेवल तक जा सकता है आपका प्रश्न का लेवल। यानी कि होता है ना कि किस लेवल तक प्रश्न रहेगा, कितने बच्चे बोल रहे हैं कि प्राइमरी लेवल, नहीं डियर, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन लिख दिया है कि बच्चों का जितनी शैक्षिक अर्हता होगा उसके लेवल तक, यानी 12 लेवल तक जा सकता है। ऐसे आपको 10th तक के सारी चीज जो है पढ़ना है आपको प्राइमरी लेवल के लिए भी। तो आप मुझे बताइए कि आपने 2 साल डीएलएड किया, बीएड किया और सीटेट क्वालिफाई किया, तो यहां पर कोई चीज आपको मिल रहा है क्या? ये सामान्य अध्ययन देखिए तो इतना सारा सिलेबस है, इससे बेटर है तो बीपीएससी निकालकर डीएमएस एसडीएम बन जाइए यार। ये बिहार बोर्ड भद्दा मजाक कर रही है बच्चों के साथ, ऐसा करना चाहिए क्या? यहाँ पर कहाँ पर पूछा गया है सीडीपी ईवीएस, कहीं पर पूछा गया है? आपने डीएलएड 2 साल किया, ट्रेनिंग किया, बीएड किया, इतना ट्रेनिंग किया, सीटेट क्वालिफाई किया, कहीं तो कुछ नहीं पूछा गया है? ये न्यू एक सिलेबस ला दिया गया है, इसका मतलब साफ तौर पर यही है कि जॉब देना नहीं है, क्लियर ना? वैकेंसी नहीं है सरकार के पास, पैसे भी नहीं है, ये बस मुद्दा भटकाने का एक तरीका है। फिर भी आप सभी लोग तैयारी कीजिएगा, और मैं आपको बता दूं कि निगेटिव भी रहने वाला है, ये भी है। तो यही आपका सिलेबस है, यहाँ पर आपका मैंने 1 to 5 के जो है पूरी सिलेबस को डिस्कस कर दिया है। 100 पहले पेपर में आपके 100 प्रश्न, जिसमें आपके जो है इंग्लिश से 25 प्रश्न और हिंदी उर्दू और बांग्ला, इसमें से आपको कोई एक लेना होगा, जिससे आपका 75 प्रश्न, इसमें आपको कम से कम 30 नंबर लाने होंगे। निगेटिव है, 100 प्रश्न 100 मार्क्स, 2 घंटे का एग्जाम होगा। ये आपका जो है सामान्य अध्ययन 2.5 घंटा का एग्जाम होगा, 150 प्रश्न 150 मार्क्स का रहेगा। और साथ ही साथ इसमें भी निगेटिव है, जिसमें आपका 10th लेवल तक का गणित, सामान्य अध्ययन, हिंदी तो इधर ही आ जाएगा, गणित, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, करंट अफेयर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से आपके प्रश्न रहने वाले हैं। तो यह जो है आपका पेपर वन है, यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए सिलेबस है, जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी जो है ज़्यादा है, इतना सिलेबस नहीं होना चाहिए। तो बस आपको, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात जो है समझ में आ गई होगी कि आपको फर्स्ट क्लास 1 to 5 के लिए क्या क्या पढ़ना है। आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा, क्लास भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। ओके, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए। ओके, धन्यवाद।